ये हफ्ते के रोज जिला कौंसल हाल चकवाल में ये डिंगी के हवाले से एक भरपूर सेमिनार मुनक्कद हुआ है, जिसमें मैडम डिप्टी कमिश्नर को लाइन मलक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तो सेमिनार में बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की गई और ये बताया गया कि डिंगी कोई इतना मोलक मर्ज नहीं है, बल्कि थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो बहरहाल ये लोगों ने इस मौके पर तमाम माहरीन ने तमाम आम आवाम को ये मशवरा दिया है कि वो थोड़ी सी सफाई और एहतियाती तदाबीर जो इसके लिए SOPs पंजाब हुकूमत ने वादा किए हैं उन पर अमल दरामद करके ये डिंगी जैसे एक बिल्कुल ये डिंगी एक बिल्कुल वबा भी है, मगर ये अलहमदुल्ला गुज़श्ता चंद सालों से इधर जिला चकवाल में जो इकदाम किए जाते हैं तो उससे अभी तक ये काबू में है। तो बहरहाल हंगामी तौर पर इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में डेंगू वार्ड के क्याम का भी अमल लाया जाता है। तो बहरहाल ये अभी ये मौसम जो है ये डेंगू के लिए ये बड़ा साजगार है, डेंगू मर्ज के लिए ये लाजगार। तो ये जब तक ये अभी मई का महीना जब तपेगा और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये उम्मीद है कि ये आने वाले 10-12 दिनों में गर्मी की शिद्दत में जब इजाफा होगा तो ये डिंगी का जो है लार्वा, ये डिंगी का जो मच्छर है ये खुद ब खुद ही अपनी मौत मर जाता है। तो बहरहाल ये उस वक्त तक एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। तो मैडम ये डिप्टी कमिश्नर ने बाद ना ये एक वाक भी डिंगी वाक हुई है तो उसकी भी क्यादत की है। तो बहरहाल मैडम डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जिम्मेदारों को और महकमों को जो डिंगी के हवाले से सरगर्म अमल हैं उनको हदायत की है कि ये पंजाब हुकूमत के जो तमाम SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए।